तो देश ने सियासत के तमाम रंग देखे हैं, तमाम नेताओं को देखा, तमाम पार्टियों का उदय देखा, उनका अस्तकाल देखा, लेकिन इन दिनों सियासत में जो चटक रंग हैं, जो मसाला फिल्म जैसा एक टेम्परामेंट है, वो शायद पहली बार देख रहा देश। और वो सब संभव हुआ है आम आदमी पार्टी के प्राकट्य के चलते बाद। तो इस जिन लोगों को ये मसाला फिल्म टाइप ऑफ पॉलिटिक्स रोचक लगती है, आनंदकारी लगती है, मनोहारी लगती है, उन सब लोगों को आम आदमी पार्टी का कृतज्ञ होना चाहिए। मल्टी कलर दिख रहे हैं, मल्टी शेड सियासत में, और तू डाल डाल में पात पात, आप और इधर भाजपा, उधर आप इधर भाजपा, तो राजनीति में वसूली है, रंगदारी है, स्टिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, मसाज है, स्पा है, चंपी है, सब है। इससे पहले कभी आपने इतनी चीजें एक साथ कहीं राजनीति में सुनी थी? ना ही। दिल्ली वाले भी पहली बार शायद ऐसे दृश्य देखने को उनको मिल रहे हैं, जो गदगदायमान कर रहे हैं पूरी दिल्ली को, क्या देश को। इससे पहले हरकिशन लाल भगत थे, मदन लाल घुराना थे, केदारनाथ सहनी थे, विजय मल्होत्रा थे, शीला दीक्षित थी, क्या राजनीति थी। कुछ गंभीर विषयों पर आरोप प्रत्यारोप हो जाते थे, बात खत्म। नहीं, अब देखिए क्या आतिशबाजी है दिल्ली से लेकर गुजरात तक, और जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा में मुकाबला होगा वहां भाजपा ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया आज, जिसमें उसने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी ने, उसके नेताओं ने दिल्ली नगर निगम के अधिकांश वार्ड्स के जो प्रत्याशी थे उनके टिकट बेच दी, और उसका एक पूरा विवरण दिया। उस विवरण को चाहे आप स्क्रिप्ट में पढ़ लीजिए, चाहे उसको दृश्यमान रूप में देख लीजिए, आनंद आ जाएगा, लगेगा कि कोई फिल्म देख रहे हैं। जो मैंने कहता कि ये वीडियो जो जारी किया है बीजेपी ने, ये असली है कि नकली है, आजकल तो यानी क्या क्या हो जाए, लेकिन वीडियो है रोचक। एक महिला है, वो कहती भाई हमको टिकट चाहिए फला वार्ड से। तो जो कथित रूप से आपकी तरफ से ठेकेदार बनाए गए हैं या वसूली एजेंट कहिए, जो भी कहिए उनको, वो कहते कि भाई जल्दी करो, टाइम नहीं, अब बुकिंग बहुत तेजी से जा रही है ऊपर, 110 वार्ड तो बुक कर चुके हम लोग फुल पेमेंट पे। वो कहती नहीं, थोड़ा टोकन ले लो अभी, नजराना शुक्राना, फिर बाकी जब टिकट होगी तब बाकी दे देंगे। करे ना, जब तक पैसा पूरा नहीं पहुंचेगा काम आगे नहीं बढ़ेगा, आपका नाम नहीं जा सकता। ऐसे तमाम रोचक दृश्य हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब राजनीति ठीक दिशा में आ गई, ठीक दशा में आ गई। खुला खेल फरुखाबादी, पर्दे का काम ही नहीं, न दाएं से न बाएं से। शनिवार को हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती है, शनिवार इतवार, शनिवार को भी एक दृश्य छूट गया। देश भर में हमारे मित्रों ने हमको कहा कि आज इस पर कुछ कर ही दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से देश की हर जेल में बंद कैदी रश्क करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जेल हो तो तिहाड़ जैसी, और कमरा हो तो सत्येंद्र जैन जैसा, और मालिश और मसाज हो तो जैन साहब जैसे। हर जगह हाहाकार मचा है जेल में, और जो जेल से बाहर हैं वो भी करे हम जेल, हमें जेल भेजो, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे,
पूछो क्यों करोगे आंदोलन, देश की आजादी के लिए ना, मसाज के लिए। बोले भाई अभी तो आजादी का मसला नहीं, आजादी तो आ गई 47 में। अरे बोले मसाज का तो है, मालिश नहीं देख रहे थे, उल्टे लेट के मालिश, सीधे लेट के मालिश, चंपी सब बिल्कुल, यानी कौन कौन से तेल लगा के बिल्कुल आनंद हो रहा। अब सबसे एक खतरा पैदा हो गया, वो खतरा ये पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि देश भर में जो बात रोग से पीड़ित लोग हैं, जिनके हाथ पैरों में दर्द है, कमर में, सिर में, शरीर थोड़ा, तबीयत थोड़ी टोटे टोटे रहती है, नासाज है, कहीं वो लोग आंदोलन पर उतर आए तब क्या करोगे कि जेल भेजो जी हमें, 15-15 दिन हम भी रहेंगे, लोकतंत्र है, मसाज पर सबका हक, और तिहाड़ भी सरकार के पैसे चलती, तिहाड़ पर भी सबका हक। मामला बवाल बन गया। कुछ लोग बोले कि भाई लंदन वालों, तुम लोग नशे में रहते हो, लंदन की एक अदालत में विजय माल्या ने कहा कि भारत की जेलों का हाल ठीक नहीं है, वहां बहुत शोषण है कैदी का। भारत के लोगों ने कहा कि लंदन के जज साहब को ये दिखाओ जाके, कैसे साफ सुथरे बिस्तर पे हैं, डल्लब के गद्दे मालिश हो रही है नारायण तेल से, अब बिस्लरी का पानी पिया जा रहा और टीवी अलग चल रही। हो सकता माल्या भी लौट आए, बोले वहां भटकने से क्या लाभ, जब यही मालिश है तो यत्र तत्र कहां भटकेंगे। ये कैसे संभव हुआ? ये जब ये सब लोग प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, तब ना संभव हुआ, उससे पहले राजनीति में ऐसा कहां था। मनीष सिसोदिया जी ने अपने स्वनाम धन्य मंत्री का बचाव किया, और बचाव इतना अद्भुत कि आदमी की जेब में अगर 11 रुपया हो तो 11 निछावर कर दे। उन्होंने कहा जी बताइए भाजपा वाले कितनी निष्ठा उतर आए, बीमारी का मजाक उड़ाते, सत्येंद्र जैन को तो बीमारी है, उनके ऑपरेशन हुए थे, उनको एक्यूप्रेशर दिया जा रहा है, मसाज नहीं हो रही। बोले रीढ़ की हड्डी में समस्या है। अच्छा तू डाल डाल, मैं पात पात, मैंने कहा तो एक भाई आया बोला कि रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो कमर से नीचे मालिश करो, पीठ की करो, ये तो बैठ के चंपी करा रहे, तो सिर से कनेक्शन है क्या मामला, वहां तक होगा, लेकिन है। उस मसाज के दिव्य चलचित्र को भी क्रांति से जोड़ दिया, त्याग तपस्या से जोड़ दिया, बोले साहब बीमार हैं। और ये तो आपको याद ही होगा कि ये जो मालिश वाले मंत्री जी हैं, ये भगत सिंह घोषित हो चुके हैं। फिर मैंने कहा याद दिला दूं, बाद में आपको क्या बताया नहीं, अरविंद जी ने इनको भगत सिंह घोषित कर दिया था कुछ दिन पहले, और कहा था ये कट्टर देशभक्त हैं। अब जितने देशभक्त हैं वो सब अपने आगे कट्टर लगा के मान लिए मालिश की मांग करने लगे, तो इतने मालिश करने वाले कहां से आएंगे और इतनी तिहाड़ कहां से बनेंगी। कहीं नारा ना लगे जेल के फाटक टूटेंगे, हम भी अंदर जाएंगे मालिश रोज कराएंगे, तब क्या करेगा राजनीति यहां पर आकर ठहर गई। यहां गुजरात से लेकर और दिल्ली तक सिवाय मनोरंजन के कुछ नहीं हो रहा, गरीब से जुड़े मसले कहीं नहीं, गरीब की आंख का आंसू कहीं नहीं। यही है जो हमने बताया, वसूली, रंगदारी, मसाज, मालिश, इस्पा, तूतू मेमे, दैट्स ऑल। एक रिपोर्ट हमारे साथियों ने तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? जो मेन है गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सौरभ जी हैं, और एक अतिशी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में स्टिंग ऑपरेशन की ये वो चिंगारियां हैं
जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चिंता को और बढ़ा दिया है। बीजेपी की ओर से जारी इस स्टिंग वीडियो में आप पर एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। कोई नहीं, वो तो कल मनवा लो। दो चार नहीं आ पा रहे ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, एक दो दिन मंगा लो, कोई आज तो हम कहेंगे हमने तो रोज जाना है, रोज आना है। इस स्टिंग में रोहिणी के सेक्टर 55 बिंदु नाम की महिला को टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगने का आरोप ये भी है कि पैसे मांगने वालों ने आपके कई बड़े नेताओं को रिश्तेदार बताया था। कांग्रेस से आप में शामिल हुई बिंदु श्रीराम ने ही ये स्टिंग किया है। बीजेपी का आरोप है कि पैसों की मांग करने वाले पठानिया और पुनीत गोयल भी गोपाल राय के करीबी हैं। अच्छा, ये जो भाई ना गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सौरभ जी हैं, एक अतिशी है। अच्छा, ये पुनीत गोयल रोहिणी सीट का विधानसभा इंचार्ज है, ये ऑफिशियल पोस्ट है, ऐसा नहीं है केवल फेसबुक पे लिख दिया, ये ऑफिशियल पोस्ट है। और ये जो पुनीत गोयल है ये अत्यंत नजदीकी किसका है? ये अत्यंत नजदीकी है एक पठानिया साहब है, मैं बताऊंगा पठानिया साहब कौन है। और दूसरे ये गोपाल राय करके जो मंत्री हैं, गोपाल राय जी का एक एनजीओ चलता है देश की बात, उस एनजीओ के भी ये इंचार्ज हैं, उस एनजीओ का भी रोहिणी का पूरा काम यही संभालते हैं, तो गोपाल राय जी के भी काफी नजदीकी हैं पुनीत गोयल। इससे पहले भी शराब कांड और टिकट मामले में स्टिंग आ चुके हैं। वही स्टिंग के अलावा मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में मालिश वाले वीडियो के जरिए बीजेपी आपको घेर रही है। वही आम आदमी पार्टी ने इस स्टिंग की जाँच के लिए 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। पार्टी कह रही की जांच करा लीजिए। निगम का चुनाव 100% आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, और मैं अपनी किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराने को तैयार हूं। और मैं साथ ही साथ संबित पात्रा जी पे और उनके साथ जो लोग थे उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। बहरहाल गुजरात के चुनावी गद और दिल्ली के दंगल के बीच कभी चिट्ठी बम तो कभी स्टिंग की चिंगारी और कभी मंत्री की मालिश के वीडियो पर महाभारत मची है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर चुनाव के बीच कितने हैं रंग, कहां तक जाएगी ये जंग। राजनीति कहां पहुंच गई इसका अंदाजा आप इस सब चीजों से लगा लीजिए। आप इन सब चीजों को देख लीजिए तो आपको लगेगा शायद कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं आप, जिसमें देश की पीड़ा संतरास उसके लोगों का कष्ट कहीं नहीं दिखेगा। कोई कह रहा है जी बुकिंग करा लो, कोई कह रहा है जी पूरा बयाना ले आओ, कोई कह रहा है जी टोकन ले लो, कोई कह रहा है जी नहीं इतना ही माल लगेगा। क्या हो रहा है? जेल में मालिश हो रही, आदमी घर में मालिश करा नहीं पा रहा, यहाँ जेल में भी हो रही। मेहमान साहब का परिचय करा दें, डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं नोएडा से, एके मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी का स्वागत है। सैफ खान प्रवक्ता कांग्रेस, सैफ खान जी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के बिल्कुल फायर ब्रांड प्रवक्ता, सैयद मोहम्मद तकी का बहुत बहुत स्वागत है। और टीना शर्मा प्रवक्ता भाजपा अभी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी सी देर में। एके मिश्रा जी, ऐसी स्थिति आ गई, इसको अच्छा कहो चाहे बुरा कहो ये जनता के ऊपर है, अपने अपने जैसे होता है नमक स्वादानुसार वैसे ही अपनी अपनी रुचि के अनुसार है, लेकिन ऐसी मल्टी कलर सियासत देश ने कभी नहीं देखी जैसी अब देख रहा है। बात आप आनंद एकदम सही कह रहे हैं। आनंद देने वाली, मतलब सब कुछ है, एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जिसमें सारा मसाला मौजूद है। बात आप एकदम सही कर रहे हैं अमिताभ जी। बहुत दिनों से, बहुत सालों से राजनीति में मनोरंजन की थोड़ी कमी थी। मोस्टली राजनीति की बातें मुद्दे उबाऊ होती हैं क्योंकि बड़ी आदर्शवादी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं,
जब से ये कुछ विदूषक वाली चीजें यहाँ आनी शुरू हो गई है ना, बचपन में जैसे हम लोग मनोरंजन का एक साधन था नौटंकी, कोई गंभीर विषय चलता रहता था तो बीच बीच में एक विदूषक आता था, विदूषक मतलब जोकर, जिसको इंग्लिश में जोकर बोलते थे, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। खैर मनोरंजन की चीज है ये, इस पे जो इतना स्ट्रेस रहता है, चाहे वर्कर हो, चाहे वोटर हो, चाहे जो भी हो, पैनलिस्ट हो या कोई भी हो, हाँ थोड़ा सा दिमाग से प्रेशर हटता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये दिख रही है, एक जैसे कंपटीशन शुरू हो गया है, कोई किसी से कम नहीं, मतलब ये इस तरह की भावना शुरू हो गई है। शुरुआत इसकी अरविंद केजरीवाल जी ने की, जब उन्होंने पहले ही दौर में जब अपना धरना प्रदर्शन किया था, पार्टी नहीं बनी थी, रोज एक चिट्ठी निकालते थे, ये सबूत है उसके खिलाफ, ये सबूत उसके खिलाफ है। और अरविंद केजरीवाल जी एक, मैं बोलूंगा कि राजनीति के एक नए नवयुवा जो है विदूषक बन करके ये उभर रहे हैं यहाँ पे। कभी ये बोलेंगे इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, भविष्यवाणियां इनकी, लेकिन इन्होंने अपने बारे में ये, मतलब ये जो स्टिंग वगैरह हो रहे हैं, मुझे लगता है अब सारी चीजें छोड़ के ये अब स्टिंग के बारे में भविष्यवाणी शुरू करना शुरू कर देंगे, अब एक नया स्टिंग और आएगा आपका, इस तरीके से ये भविष्यवाणियां शुरू कर देंगे। हालांकि बहुत मनोरंजक हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा, मनोरंजन होते रहना चाहिए। देश में तनाव नहीं हो वो सबसे अच्छा है, तनाव नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। डॉक्टर आलोक पांडे, आम आदमी पार्टी ने कहा, टीना शर्मा जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता, टीना शर्मा का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने कहा और खासतौर पर अरविंद जी ने कहा कि भाई हम लोग कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह के वारिस हैं, इसलिए हम लोग जेल से नहीं डरते। उस वक्त बात अच्छी लगी, लेकिन एक दूसरे धारा में जब ये सत्येंद्र जैन की मालिश वाला चंपी वाला वीडियो आ गया, अब मैं नहीं कह रहा, लोग कहने लगे, बोले गुरु आप समझ गए कि जेल से क्यों नहीं डरते हो, ऐसे सुख कहां जेल के अलावा, तिहाड़ के अलावा। आलोक जी मुझे तो तिहाड़ की सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है, लाखों आदमी मान लो तिहाड़ में कूद पड़े कि हम भी मालिश कराएंगे तब। अमिताभ सर आप सही कह रहे हैं, लोकतंत्र है भैया जी, आप सही कह रहे हैं। जब जैन साहब का हमने वीडियो देखा तो मेरे पैरों में बड़ा दर्द होने लगा, मुझे लगा कि कहाँ से सुख मुझे मिलता, मुझे तो घर में नहीं मिलता, इस तो घर में कौन रहे, क्यों ना चलो जेल की तरफ कूच करते हैं और ऐसे मसाज का आनंद लेते हैं। लेकिन अब सत्येंद्र जैन साहब जैसी किस्मत सबकी कहाँ है, भगत सिंह का टैग भी है उनके हाथ में, और जेल में भी हैं, सुख में भी हैं, बहुत बढ़िया मौज के दिन हैं। लेकिन अगर हम इसे एक गंभीर बिंदु के रूप में लें तो क्या 1947 के पहले हमारे नेताओं ने इसीलिए कुर्बानी दी थी क्या इस देश को, इसीलिए हमारे भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे कि सत्येंद्र जैन से उनकी तुलना हो, क्या हम इसीलिए लाखों माओं ने अपने बच्चों को खोया था कि हजारों करोड़ का ये लोग घोटाला करें, क्या हम इसीलिए 1857 की गदर में शामिल हुए थे, ये प्रश्न तो रहेंगे ना हमारे नेताओं को। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि क्या उनसे कभी अच्छी प्रेरणा नहीं ले सकते। ठीक बात। अब मैं तकी साहब के पास चलूंगा, फिर भाजपा और कांग्रेस के पास आऊंगा। अच्छा विज्ञान भी बदल गया, मैं कह रहा हूं ये कौतुक काल है राजनीति का, कौतुक काल। मेडिकल साइंस बदल गई, एक्यूप्रेशर में चंपी इंक्लूड हो गई, पहले चंपी एक्यूप्रेशर में नहीं आती थी, अब आ गई, मोहर लगा दी तकी साहब ने, बोला चंपी भी इंक्लूडेड, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो उसमें चिंतन बाद में करेगा। तकी साहब वो कह रहे हैं ये कौन पठानिया है, कौन है ये गोयल, ये लोग उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि भाई जल्दी बुकिंग करा दो, 110 का पैसा आ चुका है पूरा फुल, और बिना फुल पैसे काम नहीं होगा, ये बयाना और नजराना से काम नहीं होगा, डिमांड ज्यादा है सीट कम है, पूरा पैसा लाओ तो ऊपर भेज दें, मतलब खुला खेल फरुक्काबादी है, चलने दो जो होगा देखा जाएगा। तकी साहब देखिए आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है जी। और आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 8 साल से लगातार ऐसे आरोप लगते चले आ रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई साबित नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया। तो ये तो बीजेपी का चरित्र है कि उल्टे सीधे आरोप लगाना, नए नए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आना, ताकि कहीं से
जो आम आदमी पार्टी की हवा बनी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जीत रही है गुजरात में, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगा सकें। लेकिन इनके खेल में इनके हाथ से गुजरात दिल्ली दोनों जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी का जलवा यहाँ भी जलवा है, आम आदमी पार्टी का गुजरात भी जलवा है। नहीं नहीं जलवा ठीक है, लेकिन ये बताओ एक ये चंपी को एक ऑपरेशन में कैसे डाले? ये जो सत्येन जैन के ऊपर आरोप लगा जा रहा है, सत्यजीत जिस भी व्यक्ति ने सत्येन जैन का वीडियो रिलीज किया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसमें एक व्यक्ति उनको उनको जो है वो फिजियोथेरेपी कर रहा है जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर के अनुसार है, उसमें साइंटिफिक फिजियोथेरेपी हो रही है, साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन है, एक इंस्टीट्यूट ने किया है, और बिल्कुल साफ है चिन्मा नंद की तरह तेल नहीं लगा जा रहा है। बिना तेल के मालिश होगी तेल लगवा ले, ये तो सुनो ना मोहम्मद तकी, आज तो आनंद की बहस है भैया। एक तकी साहब, तकी साहब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे यहाँ वृंदावन में बोलते आज के आनंद की जय, क्या वैसे मगर आज आनंद की जय है बहस में, इसलिए तनाव नहीं लो। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा कि तेल के बिना तो मालिश होती नहीं है ना, ये ड्राई मालिश का टाइम नहीं है ना, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि मतलब एक्यूप्रेशर में ये चंपी कैसे इंक्लूड की आपने, वो भी तो कोई साइंस डेवलप की होगी, कोई पीएससी की मीटिंग हुई होगी कि भाई चंपी का क्या करें, बोला घुसा दो एक्यूप्रेशर में, होगा देखा जाएगा। सत्येन जैन के स्लिप हो गया था, जो डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट से उनको प्रिस्क्राइब किया है कि उनको फिजियोथेरेपी होनी चाहिए उसके हिसाब से, और लंबर स्पाइन अगर हमने साइंस पढ़ी है, लंबर स्पाइन का कंट्रोल से स्पाइन तक नहीं रहता, नीचे मोटे सेल में और पैरों में भी रहता, अगर साइंस हो तो वहां से नर्वस सिस्टम जाता है, वहां उसका असर रहता है, तो फिजियोथेरेपी। आज तो आप ही के पास आएंगे बार बार, मैं सैफ खान साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, ये हंसी मजाक से अलग, अगर मैं एक क्षण को ये मान भी लूं कि सत्येंद्र जैन चोटिल थे, उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा कि भाई इनके तेल लगा के मालिश करो रोज एक घंटा, मान लीजिए मान ले, तो भी जेल का सुनो भैया तकी साहब कुछ जानकारी बढ़ेगी जी, आपको इस पे हर जगह जवाब देना होगा, तो इस पे परफेक्ट रहिए। जेल के कानून कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है भी कैदी के साथ, तो जेल में जो चिकित्सा विंग है वहीं ले जाके ये मालिश हो, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर जो बताओ, चंपी टंपी स्पा मसाज फुट मसाज कौन हैंड मसाज जो भी है सब वहीं होगा, ये कमरे में नहीं हो सकता कि चार लड़के और बैठे हैं वो गाना भी सुना रहे हैं मधुबाला का है, और बिस्लरी का पानी भी रखा उधर, टीवी भी चल रहा है, बोले एक्यूप्रेशर, ऐसा नहीं चलेगा, फिर जाना वहीं पड़ेगा, स्ट्रेचर से जाओ और चाहे चल के जाओ, स्ट्रेचर वाली तो स्थिति नहीं, चल तो खूब अच्छे से रही है सत्येंद्र भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं नियम का उल्लंघन तो कर दिया, इसको एक्यूप्रेशर में ना घुसाओ। सैफ खान ठीक ठीक, कोई जघन अपराध करके आए अपराधी नहीं है, और इनके ऊपर कोई अभी तक अपराध प्रूफ नहीं हुआ है, भैया एक्टिंग मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ताकि समाधान निकाल सके, आप सैल्यूट करिए उस आदमी को, जेल के अंदर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अगर ठीक अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अगर सैफ खान साहब बाकी तो आपने सुनी लिया सवाल, एक बात जो अंत में अभी इन्होंने कही तकी ने वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो जेल में मीटिंग कर रहे हैं, अपने मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ये और भी ज्यादा कानून का उल्लंघन है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, शासन के संचालन की प्रक्रिया और नियमावलियों का 100% उल्लंघन है, जेल में नहीं हो सकती मीटिंग, बिल्कुल जेल में कैसे हो जाएगी, बिल्कुल जेल में फाइल कैसे जाएगी, नो कैंप ऑफिस बनेगा क्या जेल किसी का? सैफ खान देखिए अमिताभ जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का, कि ऐसे महत्वपूर्ण जो सच्चाई है वो आपका चैनल जो है कामयाब हो रहा है, और आप जो है अंदर से सच्चाई निकालने में जो है बहुत सक्षम हैं, और जनता के सामने जो है वो मुद्दे लेके आ रहे हैं, वो सच्चाई लेके आ रहे हैं जो दिखाई दे रही है इस वक्त चैनल पे, और हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने सत्येंद्र जैन जी का देखा कि आराम से उसी वार्ड में, जबकि आपने बिल्कुल सच बताया, क्योंकि ये अगर जो थेरेपी भी होती है दूसरे जाके कमरे में होती है जहां पे उसको अलर्ट किया जाता है, उस जगह पे नहीं जहां पे मालिश से दिखाई जा रही है। दूसरी बात
दूसरी ये मीटिंग जो है बिल्कुल अलाउ नहीं होती है जहां पे जेल में जहां पे चाहे वो इल्जाम आप पे प्रूफ हुआ हो या ना हुआ हो ये भी अलाउ नहीं होता जेल में जो है। आज मगर हमने ये जरूर देखा वही आम आदमी पार्टी जो है जो पहले करप्शन के ऊपर बोल के आलोचना करके दिल्ली सरकार फॉर्मेशन कर पाई थी वो आज जो है सच्चाई उसकी खुलती जा रही है कि वो जो है 80 लाख की डोनेशन खा के जो है टिकट बांटना शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है वही पार्टी जो लोकपाल बिल के लिए चिल्लाती भी थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लगातार वो कर रही थी, जो दिखावे कर रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दिखावे करके जो है ये झूठ बोल बोल के कि करप्शन हो रहा था जो है देश में देश लुटा जा रहा था, और आज जो है भारतीय आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वो एक लेवल के ऊपर जो है साथ साथ में खड़ी हुई है। इलेक्टोरल एक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में 4215 करोड़ रुपए केवल 2019 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी रिसीव करती है, ये इल्जाम लगा रहे आम आदमी पार्टी पे, जो हम वीडियो में साफ साफ ये देख सकते हैं कि 80 लाख रुपए की मांगे एक टिकट के ऊपर, करप्शन का तो ये हाल है। और आपने बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, मौजूदा मुद्दों के ऊपर कोई जो है बातचीत नहीं है कि आपकी जो है दिल्ली में इस वक्त जो है लैक ऑफ पार्किंग है, पार्किंग माफिया जो है वो लगातार जो है पैसे वसूलियां कर करके जो है जनता के खून पसीने का पैसा जो है खाया जा रहा है। कोई ये बात नहीं हो रही है कि त्रिमोल जो मशीन है जो 6.5 लाख रुपए के ऊपर दिन के ऊपर जो है इस वक्त जिसका महीने के ऊपर जो है जो रेंट दिया जा रहा है वो एक्चुअली केवल 17 लाख रुपए की जो है खरीदने में पड़ रही है। ये करप्शन के चलन है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का कि आप अधिकारियों से पूछो वो ग्लास खरीदने की बजाय ग्लास किराए पर लेना पसंद करते हैं, बोले खरीद में एक ही बार आएगा जो कुछ आएगी दाल दलिया, किराया तो हर महीने आएगा, कट हर महीने आता है, इस सिद्धांत को समझ लीजिए। एक दूसरी बात ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये कहीं गूगल में लिखा नहीं मिलेगा। दूसरी बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की आई, ये ऑन बॉन्ड टाइप की जितनी चीजें हैं ना जो लिखा पढ़ी में पैसे का ट्रांजेक्शन होता है चेक से या ड्राफ्ट से या RTGS, ये भारत के राजनीतिक फंडिंग का मेरा अपना तजुर्बा कहता है 1% भी नहीं होगा। 99.9% फंडिंग तो काली पॉलीथिन में आती है, गाड़ी में आती है, ट्रक में आती है, टाटा 407 में आती है, छोटा हाथी में आती है, बड़ा हाथी में आती है। आपने कभी सुना कि चुनाव के समय में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पकड़े गए गाड़ी में? नहीं ना, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी छोड़ के भाग जाता आदमी पकड़ने को आए तो। ये पैसा कहां से बहता है? ये पानी है क्या कि बरसात में इकट्ठा हो रहा है? इसलिए ऑन्ड बॉन्ड में मेरी कोई आस्था नहीं। ये सब ठीक है, दिल को बहलाने के लिए गली में ख्याल अच्छा है कि बॉन्ड जारी हो गया, ऑन्ड बॉन्ड इनसे क्या होता है यार? उसकी बात करो जो बोरी में रख के डिक्की में रखा है, चुनाव उससे होता है, बॉन्ड से कुछ हो रहा है? सारे देश भर के इलेक्ट्रल बॉन्ड जोड़ लीजिए तो एक चुनाव में देश के 5 बड़े नेताओं की जनसभा का खर्चा नहीं होगा वो टोटल। बॉन्ड से क्या होगा? आठों की तरह जहाज उड़ रहे हैं, बॉन्ड से उड़ रहे हैं, ये है मसला। टीना जी, दिल्ली में एक दौर था जब HKL भगत थे, केदारनाथ साहनी थे, विजय मल्होत्रा थे, मदनलाल खुराना थे, फिर शीला जी और खुराना का युग रहा, तब राजनीति बड़ी ही शुष्क थी। लोग कह रहे भैया अब मजा आया है, तू डाल डाल मैं पात पात, उधर से आप आदमी पार्टी, इधर से भाजपा। बोले आप कम से कम लगता है जब थक जाओ तो थोड़ा न्यूज देख लो, दिल्ली से आई ऐसी कोई अच्छी सी, तो बोले माइंड फ्रेश हो जाता है। नहीं देखिए, बहुत दुखद है कि इसको इस तरीके से हास्यास्पद तरीके से लिया जा रहा है अमिताभ, और डेफिनेटली राजनीति जो है वो बहुत ही उसमें एक ट्रांजिशनल चेंज जरूर आया है, जिसको हम कह सकते हैं कि उस पीढ़ी की राजनीति, मदनलाल खुराना तक की राजनीति तो खैर मैंने भी देखी है और सुना भी था, सुषमा जी ने केदारनाथ साहनी, और आपने कहा कि
विजय कुमार मल्होत्रा और काफी लोग, प्रोफेसर पीके चांदला, मूलचंद चावला जी, वो अभी भी हमारे बीच में हैं, और जो दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जिन लोगों ने काम किया था। तो जब इस तरीके की चीजें हम आम पार्टी की सुनते हैं और दीनदयाल जी को छोड़ दो, दीनदयाल जी का नाम मतलब बात खत्म हो गई, ठीक, वो जो लोग किताबों में पहुंच गए वो किताबों में पहुंच गए, अब बाकी कुछ भगत सिंह और दीनदयाल का नाम मत लीजिए। अब हर आदमी टिकट बेच खरीद रहा है, आप बता रहे हो दीनदयाल और भगत सिंह लगा के दिल्ली के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में भगत सिंह अंबेडकर की फोटोएं लगाकर, ये जो हम एक तरह से नंगा नाच देख रहे हैं, ये भी कहां तक जनता सहन करेगी? और ये चुनाव में ही ये चीजें बाहर निकल के आती हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो हमेशा रहती हैं, लेकिन चुनाव के समय में इनकी एक एक जो फेस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अमिताभ, दुखद है ये अक्रॉस पार्टी दुखद है, जब भी ऐसा कुछ आता है ये अक्रॉस पार्टी दुखद है। लेकिन आज मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को, जिनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है, वो मसाज करवा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बिस्तर का हाल देखिए, मैंने तो, मेरा तो एक बहुत बहुत पुराना मित्र बेचारा जेल गया, किसी कारण से जेल गया 4 दिन, तो उसके बाद उसको खैर इंटरिम बेल मिल गई, और अच्छा बेचारा बड़ा व्यक्ति था, तो उसने कहा बड़ा बुरा हाल था भाई माँ, बहुत ही बुरा हाल था, और हमें पता है हमने 4 दिन भी कैसे काटे और 6-7 दिन और लग गए, तो उसको एक हफ्ता काटना मुश्किल हो गया, और निकलते ही डेंगू हो गया क्योंकि मच्छर काट गए। तो ये तो ऐसा दिखता नहीं है, इनके लिए तो बिल्कुल VVIP अरेंजमेंट है, और ये तो बहुत ही गलत चीज है जो पैसे के साथ आती है, पावर के साथ आती है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए मुझे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। एक बात बताओ, आपने बोर किया था, एक सवाल खड़ा कर दूं, फिर आप लोग आपस में थोड़ी देर लड़ लीजिएगा, एक दो मिनट। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा हमको काम नहीं करने देती, उसकी सरकार, और भाजपा के पास कोई काम नहीं, केवल केजरीवाल गाली देती है, ठीक। जब आप ये मानते हो मोहम्मद तकी कि भाजपा यानी केंद्र सरकार आपको कोई काम ही नहीं करने देती, ठीक, आप चाहते हो कि एक कप चाय पी ले वो नहीं पीने देते, आप चाहते हो एक समोसा खा ले नहीं खाने देते, जब जीने नहीं दे रहे आप, अरे सुनो भाई, जब जीने नहीं दे रहे आपको, तो तिहाड़ में ये मसाज पार्लर आपने खोल दिया, ये लोग नहीं रोक पाए भैया, वहां तो सियाई सब है ना, तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर तो सिक्योरिटी देने रहे, वहां तो पैरामिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी दे रही है, वहां ये ब्यूटी पार्लर कैसे खोल दिया, अरे मसाज पार्लर भैया। हाँ आप बताओ, आप इसका उत्तर दो और आपस में लड़ लो जी। मसाज एक गलत टेक्नोलॉजी जो बार बार यूज की जा रही है, फिजियोथेरेपी हो रही थी, फिजियोथेरेपी है, अरे कहाँ की फिजियोथेरेपी है भाई, सारे देश भर के फिजियोथेरेपिस्ट आपके खिलाफ धरना देंगे, ये जान लो, उनके क्लिनिक में बवाल मच जाएगा। पेट्रोल के रेट बात क्यों नहीं हो रही है, महंगाई पे क्यों नहीं बात हो रही है, इतने युवा आज की आत्महत्या करे उससे बात नहीं हो रही है, माल मोटा जाएगा, तो मुझे लगा ये जरूरी बात है, इसलिए चर्चा कर ली। उसके बाद जी हाँ बताओ, कोई केस ही नहीं है, जो जितेंद्र जैन के ऊपर कोई केस ही नहीं बनता, फर्जी केस बना के उनको डाला गया है, लोगों से उनका नाम लिया गया है, उनको फर्जी केस है, कोर्ट ने 3 बार उनको फटकारा है, एक काम करिए, मैं आम आदमी पार्टी की बात मान लेता हूँ, बड़ा अच्छा ऑफर दे रहे, सुन लो, जाके PAC में बताइएगा तो लोग कहेंगे कि आज ये असली चीज लाए है। जब आपने मान ही लिया कि सत्येंद्र जैन भगत सिंह का प्रतिरूप है और बिल्कुल ईमानदार है, कोई भी उसके साथ गड़बड़ नहीं, तो जब मालिश करा सकते हो तो खड़ामा आज शाम को जाके हाथ पकड़ के ले आओ बाहर, गाड़ी में बैठा लो और MCT में घूम चुनाव प्रचार में लगाओ, बहुत हो एक चंपी वाला साथ रख दो, फिर वहां रखे क्यों हो, कोर्ट और छोड़ो जाने दो, क्या करेगा कोर्ट, जब आपने कही दिया कि सब फर्जी है कुछ नहीं है जी,
सब फर्जी है, तो वो बाहर निकाल लाओ आज, पहले चांदनी चौक ले जाओ, ज्ञानी जी की कुल्फी खिलाओ और उसके बाद निकल जाओ युद्ध में। नहीं, भारत की जनता बीजेपी के मनोहर कहानियों को सुन रही है और समझ रही है बीजेपी बहस रही है बाहर, और बीजेपी को साबित नहीं के पास बार बार आरोप लगाती है किसी तरह से। भाई टीना जी, मनोहर कहानियां का प्रकाशन बहुत पहले बंद हो चुका, आप अब ये तो अभी आम आदमी पार्टी ने उसको फिर से उस ब्रांड को रिजुविनेट किया है, क्या मसला आप लोग मनोहर कहानियां क्यों सुना रहे हैं? टीना शर्मा, नहीं बिल्कुल मनोहर कहानियां नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि इनकी मनोहर कहानियां है, इनको मनोहर कहानियां। सर ये बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगी सर, मेरी तो आदत नहीं है कि इनको बीच में चिल्ला चिल्ला के बोलूं। सर ये मनोहर कहानियां बंद करेंगे तो मनोहर कहानियां बंद होगी। ये जो वीडियो है वायरल हुआ है इसमें ये भी कह सकते हैं कि सत्येंद्र जैन नहीं है ये भी सर चंपी मालिश तो मैं कह रही हूँ। आप ये सोचिए कि पेडिक्योर कराने हम महिलाएं जाते हैं, इतनी मसाज तो पेडिक्योर में नहीं मिलती सर, जहां हम पैसे देकर आते हैं 1500 रुपए का मसाज कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, इतनी मसाज तो उसमें नहीं मिलती सर। यहाँ तो 2 घंटे से मसाज ही चल रही है, वीडियो रिपीटेडली चलता जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब जेल में हैं और इस तरीके की भारत रत्न देना और भगत सिंह का रूप है सर, कहीं ना कहीं ये जो महापुरुषों को इस्तेमाल करने की ये जो परिणीति आम पार्टी ने बनाई है, ये अपने देखिए ये संवैधानिक मूल्यों पे तो फेल हुए ही हैं, ये कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों पे फेल हुए हैं और इन्हें नैतिकता की का हनन करने का अभी आभास भी नहीं हो रहा है। ये इनके पतन का कारण भी है सर, मुझे ऐसा लगता है अमिताभ, ये पतन का कारण है क्योंकि भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, बच्चों की कसम के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे, अरे कहीं भगत सिंह बैठा बद्दुआ दे रहा होगा भाई कि तू भगत सिंह, तो मुझे भगत सिंह बनना ही नहीं है। बीजेपी हमको नैतिकता सिखाएगी, उस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे के सामने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, करोड़ों रुपए का चंदा लिया, करोड़ों रुपए का रिश्वत भी, वो पार्टी बीजेपी हमको नैतिकता सिखाएगी? वो पार्टी के अडानी अंबानी को पति बना दिया लाखों करोड़ के बाद, तो वो पार्टी सिखाएगा ना? कोई तो सिखाएगा सर नैतिकता, कोई तो सिखाएगा आपको नैतिकता? एके मिश्रा, क्या ये सच नहीं है, व्यवहारिक सच? इसको मानेगा कोई नहीं और ना इसको प्रूव किया जा सकता अंटिल अनलेस हम भी ऐसे स्टिंग ना कर लाएं कहीं से। भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था में टिकट का विपणन, टिकट की खरीद बेची एक सामान्य प्रक्रिया है, आज से नहीं मुद्दत से, सब में नहीं लेकिन हाँ एक बड़ा परसेंटेज हमेशा हर इस चुनाव में रहता है फॉर सेल। और सुन लो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और गुमाश्ते भी घूमते हैं, गुमाश्ते जान रहे हैं ना एजेंट, वो आएंगे आपके पास, हाँ भाई एके मिश्रा जी बताओ करा दें, आप कहोगे क्या है मेहनताना, अरे बोले कुछ नहीं है आपके लिए क्या है, 15 में हो जाएगी क्या, सीधे पहुंचोगे लोकसभा, तब आप कहते हो नहीं 10 में, ऐसा मैंने देखा है। नहीं अमिताभ जी देखिए, बहुत पुराने टाइम पे मतलब जब हम लोग बचपन में राजनीति देखते थे, टिकट तो हमेशा प्रदेशन पे ही मिलता, चीजिए मान ली वो उन्हीं के पार्टी के सदस्य लोग बोलते थे कि भाई इनको खड़ा करिए, इनको खड़ा करिए, और हमने कई उदाहरण देखा है कि जो एस्टेब्लिश्ड नेता हैं किसी भी पार्टी में, जिन्होंने चप्पलें घिसी हैं, जिनके जीतने के चांसेस हैं, एकाएक उनको टिकट न मिलके किसी और को मिल गया, वो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है सोर्स लगा के अपनी जान पहचान निकाल करके, तो रिकमेंडेशन तो 100% चलता रहता है। मनीटाइजेशन भी ये हुआ, पहले इतना नहीं होता था लेकिन 100% तो नहीं होता है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि पैसे से जो लोग आए वो जो है 100% चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि पैसा कलेक्ट करना भी राजनीतिक दलों का एक जरूरत होती है, ये गलत है कि सही है वो दूसरी बात है, और बहुत सारे तरीकों से कलेक्ट किया जाता है। वो ये बोलते हैं कि भाई आपको मिल जाएगा पार्टी फंड में, दान दे दीजिए, ये कर दीजिए, उसमें से जो कुछ बीच वाले भी हैं आप उनको बोलिए कि ठीक है जो काम किसी आदमी से नहीं हो रहा है वो ऐसे उनको उनको आप एज ए कंसल्टेंट या फैसिलिटेटर बोलिए, जो चीज उनसे नहीं होता है वो लोग करवा रहे हैं बीच में, वो भी अपना करते होंगे डेफिनेटली। इसका चलन जरूर बढ़ा है कि पैसे दे करके टिकट लेन देन का चलन जो है बहुत बढ़ा है। आलोक पांडे जी, 2019 में जी यूपी में
एक बड़ा गठबंधन हुआ जो देश के अब तक के सारे गठबंधनों में सबसे बड़ा था, ठीक, दो पार्टियों का, मैं जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा उस समय की, बट दो पार्टी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी। मैं संक्षेप में एक सज्जन लड़े चुनाव यूपी से, वो हार गए मुझसे मिलने आए। सैफ खान आप भी सुन लो, बाकी मित्र भी सुन ले जो थोड़ा सातवें आसमान पर घूमते हैं सिद्धांतों के, वो भी सुन ले जमीन पर क्या होता है ना, क्योंकि मेरे पास ये हिपोक्रेसी तो है ही नहीं, जो है बिल्कुल खरी बात है, अच्छी लगे तो और अच्छी बात और खराब लगे तो उससे भी अच्छी बात। मैंने पूछा भाई कैसा रहा, बड़ा बुरा लगा तुम हार गए, तो उन्होंने कहा कि दादा 38 के नीचे आ गए। क्या 38 के जी, लाख नहीं सीआर। मैंने कैसे, बोले 20 जमा कर आए थे, दिए थे और 18 खर्च हो गए। क्या सच नहीं है अमिताभ सर, भारतीय राजनीति सब जगह हो रहा, भारतीय राजनीति में ये पकड़े गए, ये मूर्ख थे अगली बार से इसलिए और समझदार हो जाएंगे तो ऐसी बातें थोड़ा और हिफाजत से करेंगे जहां ये मोबाइल वोबाइल रिकॉर्डिंग ना हो। जी जी अमिताभ सर, भारतीय राजनीति में पैरासूट लीडर्स की बात तो हमेशा चलती रही, तो जो पैरासूट लीडर्स आते हैं जो जबरदस्ती कराए जाते हैं उनमें ये वाले भी हैं, यानी वो पैसे के माध्यम से टिकट खरीद लेते हैं और खासकर उन पार्टियों में इनकी बड़ी डिमांड होती है जो जिताऊ का पार्टी होती है जी हाँ। उसमें पैसा और ज़्यादा चलता है, मुझे आज तक जितने मेरे रिसोर्सेज हैं ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कहीं पर भी कि उसने ये कहा हो कि हमें बगैर पैसे दिए टिकट मिल गई। मतलब तो मैंने 50 लोगों से बात की जी। उसका पैसा जरूर होता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, तो उसके कैसे लिंक हैं, कितना नया है कितना पुराना है, उसके उसकी सेटिंग क्या है। तो भारतीय राजनीति तो व्यापार हो गई, कहते हैं 10 करोड़ लगाओ और 200 करोड़ कमाओ जी, तो ये तो शुद्ध व्यापार है और ग्लैमर और ताकत अलग से, पुलिस आपकी सत्ता की हना कला, तो इससे बड़ी हाँ व्यापार क्या हो सकता है। अच्छा देखिए, जैसे सैफ खान जैसे अच्छा सेल्समैन होता है ना, कहीं जाओ कपड़ों की दुकान पे जाओ कहीं जाओ, वो आपके ऊपर रख के दिखाएगा, कहेगा यार ये देखिए सुभान अल्लाह आपके ऊपर क्या फब रहा है ये कुर्ता क्या, और चेपी देगा आपके। ऐसे ही इसके सेल्समैन आते हैं, ठीक, अब ये नहीं कहेगा अरे मैंने तो कभी नहीं सुना, आते हैं ठीक। उत्तर प्रदेश से एक सज्जन आए मेरे पास, बोले भाई साहब 15 की डिमांड आ रही है, 13 में कह रहे डन करा देंगे, लड़ जाऊं क्या। मैंने कि लोकसभा, बोले हाँ। मैंने कहा भाई देख लो 15 और लगेगा खर्चा, चुनाव आयोग को जो खर्चा भेजा जाता है वो तो छोड़ दीजिए वो क्या है, ठीक ना, खर्चा उतना ही होता जितना मैं बता रहा। तो मैंने कहा भाई हार भी सकते हो यार, आप अपना बिजनेस कर रहे हो वही करो। बोले भाई जब नहीं, जो आया एक प्रपोजल लेके वो कह रहा कि टिकट ना समझो इसको, चुनाव की टिकट नहीं समझो इसको, लोकसभा की एंट्री कार्ड समझो। खैर बाद में उनको विजडम प्रिवेल की, वो लड़े नहीं। ये बात यही वही उस शैली में यहां देख रहा हूं कि भाई 110 तो जमा कर गए, आपकी सोच में डूब रही हो, तत्काल लाओ पूरा मोटा माल लाओ। भारत का लोकतंत्र तो इसी व्यवस्था चल रहा है सैफ खान। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है अमिताभ जी कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे कहीं ना कहीं जो है चीजें देखने को हर पार्टियों में या हर जगह मिलती है, शिकायतें होती हैं और उनपे कार्रवाइयां भी होती हैं, और उसमें ये कड़वी सच्चाई है। मगर ये है कि जो है एजेंट ऐसे ही अप्रोच करते हैं और वो आपको जो है टिकट की, वो जैसे सेल्समैन के लिए आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी आपने दिया, वैसे जो है जो एग्जांपल्स दे दे के जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये प्रक्रिया जो है ये शुरू करवाते हैं या शुरू करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस चीज को खत्म करने के लिए, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा अमिताभ, कि ये चीज खत्म करने के लिए सबसे पहले जो है करप्शन खत्म होना चाहिए अपने अंदर, जो है वो जज्बा इस चीज का कि जहां आपने काम किया है जमीन के ऊपर जो है आप ही को मिलना चाहिए, वो जज्बा बरकरार जो है रखने की हम सबको जरूरत है, तब जाके जो है ये गंदगी खत्म होगी। मगर आज के कार्यक्रम में अमिताभ जी, आज हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि करप्शन, टिकट की जो है खरीद फरोख, मसाज जो है जेलों में दिए जा रहे हैं, बल्कि जेलों में इतना बुरा हाल होता है, मोटे मोटे चूहे जो है काट रहे होते हैं आपको, जो ये हाल होता है साहब, जो ऐसे फाइव स्टार होटलों की तरह जो है मसाज नहीं दिए जाते। कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी लग्जरियस जिंदगी जो है इस वक्त हमें देखने को मिल रही है,
कोई जो है 80 लाख की टिकट जो है बेच रहा है, कोई जो है 4,215 करोड़ के जो है आसामी अपनी जो है फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इन चीजों की कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक बात है भैया, मसला इतना ही नहीं, कार्रवाई कौन किस पे करे? जो एजेंट जाते हैं वो अपने आप एजेंट नहीं बनते, एजेंट बनाने का एक इम्तिहान होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि कैसे बोलना है ताकि फंसो नहीं, और किन किन का नाम ले सकते हो, किन का कतई नहीं लोगे, चाहे डील हो या ना हो, कौन कार्रवाई करेगा भैया? ये भी तो सवाल है, करेगा कौन? क्या टिकट मोहम्मद तकी तो नहीं बांट देंगे? ना सैफ खान बांट सकते कांग्रेस में, ना टीना बांट सकती भाजपा में। और अगर एक भी उदाहरण ऐसा है कि पैसा गया और टिकट हो गई, तो इसका मतलब पैसा वहां तक गया जहां तक जाना चाहिए, जिनने टिकट की उन तक। ये कौन सी नई बात है? मैं तो ओपन सीक्रेट बता रहा हूं। दिल्ली में चले जाइए, बहुत सारे प्रत्याशी जिनका पैसा लौट भी आया, लेकिन 5 लाख काट के, ये मैं तकी साहब को नई जानकारी दे दूं, 5 लाख काट के, बोले 5 लाख, बोले ऑब्जर्वर आए थे उनमें खर्च हो गया, उनको सेट करने के लिए ऑब्जर्वर में। ये है जमीन की सच्चाई, ये स्ट्रिंग में आई नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन ये है 5 लाख रुपया काट के पेमेंट हुआ वापसी का। बोले भाई 50 दिए थे, 45 रिसीव कर लो, नहीं हुआ टिकट। अच्छा सैफ खान साहब ये बताओ, इनका जो जो बालक दिल्ली भर में कलेक्शन एजेंट बने थे अलग अलग इलाकों के, इनका कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया गया होगा कि भाई कैसे ऑपरेशन करना है, क्या करना है, क्या स्थिति है, कहाँ करना है, किस टाइप के लोगों से कितनी बात करनी है, उस टाइप का कुछ? नहीं देखिए, मैं मोहम्मद तकी से पूछ रहा हूँ कि उनकी पार्टी इस वक्त वो उस स्थिति में है दिल्ली में वार्ड के चुनाव में कि सर्वाधिक उम्मीदवार टिकटार थी, उनकी पार्टी के लोगों से संपर्क में आए होंगे? ठीक, तो मैं तकी साहब जानना चाह रहा हूँ, ये जो बालक सब घूम रहे हैं अलग अलग, गोयल और कौन पठानिया चटानिया जितने भी हैं, क्या एजेंट, इनका कोई चयन का प्रोसेस रखा गया होगा, इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ होगा? नहीं अमिताभ जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बात कहा कि आम आदमी पार्टी की टिकट की डिमांड इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जीतने की संभावना सबसे प्रबल है, और जब इस तरह से प्रबल होती है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी बात में पढ़े बिना, किसी दस्ताकशी पड़े बिना बड़ी ईमानदारी से आपसे बात कहना चाहता हूँ, और ये सब सुने जाए, बीजेपी वाले, कांग्रेस हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, कोई भी व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाएगा, पहले या बाद में उसको आम आदमी पार्टी बख्शेगी नहीं, उसको आम आदमी पार्टी से बाहर खराब दिखाएगा। आम आदमी पार्टी विचारधारा है, बहती हुई नदी है, हो सकता है कभी कभी कुछ लोग गलत आ जाए, लेकिन वो ज्यादा देर आम आदमी पार्टी में रुकेंगे नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कट्टरपंथी कट्टर ईमानदार पार्टी है, और हो सकता कुछ हो गड़बड़ी, मैं नहीं मानता कि बिल्कुल सब सारे ऑपरेशन गलत भी होती है, सही भी हो, और जिन्होंने दिया उनको धन्यवाद भी, उन्होंने दिखाया हमें, और हम ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर नहीं बर्दाश्त करेंगे। आम आदमी पार्टी ईमानदारी के नाम पे बिल्कुल खरी उतरेगी, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के नाम पे आम आदमी पार्टी के अंदर। हर आदमी इस बात को गौर से सुन ले, पूरे काम को। ठीक, मेरा अपना तजुर्बा है, जो ये कहे कि हम जीरो टॉलरेंस में हैं, समझ लो वहां खेल सबसे ज्यादा, जीरो टॉलरेंस जो बोले समझ लो वहां सब कुछ चलेगा, बाहर बोर्ड लगा दो जीरो टॉलरेंस, साइड वाली खिड़की खोल दो। टीना शर्मा, तो समय साबित करेगा, समय बताएगा। तो बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहीं पे नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है इसका, और उसके बाद अलग अलग बहाने, फिजियोथेरेपी करते कराते मुझे 2 साल हो गए, मेरे कंधे में दर्द रहता है, ऐसी मसाज तो मतलब मिली नहीं भाई, तो हमको भी बड़ा दुख, फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट ऐसा कहाँ है जो ऐसी मसाज करता है, पैर वैर अच्छे से उंगली उंगली चटक देता है, अपना बचाव कर रही है। आप देखिए बातों को ना इधर से उधर मत घुमाइए, ऐसा ऐसे बातें इधर से उधर मत घुमाइए प्लीज, आपने मजाक बना के रखा है। आप सत्येंद्र जैन को कहते हैं, सत्येंद्र जैन के लिए आपने कहा,
स्वतंत्र चैन के नाम पे कहा कि ये हमारे भगत सिंह है, भगत सिंह के ये हालात है, भगत सिंह के नाम पर आपने मजाक बना दिया हिंदुस्तान में, भगत सिंह के नाम को मजाक बना दिया सर, और आप बात भी करने नहीं देंगे, आप बोलने भी नहीं देंगे, बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप इतना कैसे चंदा घोटाला कर रही है, भगवान राम की जमीन खा गई, अरे भ्रष्टाचार में तो आप भी हुए हैं, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में हैं आप, आकंठ भ्रष्टाचार में हैं आप, और बातें आपकी इतनी बड़ी बड़ी हैं, आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में हैं, भ्रष्टाचार का मतलब आपने हद पार कर दी है, दिल्ली के चुनाव से आप डरे हुए हैं, दिल्ली के चुनाव से आप डरे हुए हैं, डरे हुए हैं आप दिल्ली के चुनाव से, एक मिनट, मसला है उसको समझो, देश की चिंता, देश, अरे रुको भाई रुको, अभी से क्या, रुकिए ए के मिश्रा जी, मान लीजिए कल को ऑल इंडिया फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो इस ऐसी कोई मांग कर दे कि भाई ना ये जो है ये फिजियोथेरेपी का हिस्सा ना बताया जाए, हमारी क्लिनिक में लोग आ रहे हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं, पटक पटक के डॉक्टर को मार रहे हैं, कंपाउंडर को मार रहे हैं, करे ऐसी वाली फिजियोथेरेपी करो, तब क्या होगा मिश्रा जी? नहीं, चिंता की विषय है भैया। देखिए अमिताभ जी, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जो आपने बोली है, नहीं हमारे वहां, एक मिनट सुन लो, हमारे इंदिरापुरम में हमारी अपार्टमेंट के एक अपार्टमेंट छोड़ के एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्लिनिक है उनकी, वो हमको बता रहे थे कि भाई साहब 50 लोग आ चुके सुबह से हमारे पास वीडियो देख के, और वीडियो दिखाते थे मोबाइल में, कहते ऐसी वाली करो, बोले बताओ क्या करें। नहीं नहीं, उसमें है? उसमें उनको तो ये बोलना चाहिए कि भाई आप वहां जाके, आम आदमी पार्टी ने एक सेंटर खोला हुआ है जिसमें इस तरह की फिजियोथेरेपी की लेटेस्ट ये टेक्निक उन्होंने इनोवेट की है, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, 1,500-2,000 रुपए जो भी लगे, और बोर्ड पे वो लगा दीजिए, ट्रेंड बाई फलाने फलाने पार्टी जो लेटेस्ट आया है ना, जैसे कोई नई तकनीक आती है उस तरीके से करके, तो इसका सलूशन तो यही है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट को अपना खतरा लग रहा है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसको सीख करके आए और अपने बोर्ड पे लगाएं और अपने सेंटर में एग्जैक्ट वही चीज वो प्रोवाइड करें, और ठीक है फिर उनके क्लाइंट बेस भी सब नेता ही होंगे, आम आदमी तो लेगा नहीं, साधारण आदमी हमारे आपकी तरह तो ये लेगा नहीं, हाई फाई जितने प्रोफाइल के नेता वगैरह हैं वही डिमांड करते हुए आएंगे, लेंगे तो वो उसकी दुकान भी अच्छी चलेगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, अगर ये इतना इनोवेटिव तरीका है तो डेफिनेटली इसके ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक की तरह, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी इसको भी मोहल्ले मोहल्ले में ट्रेनिंग देने का सेंटर खोले। सैफ खान, नहीं ये बड़ा राष्ट्रीय विषय है चिंता का, मान लीजिए कल को सारे फिजियोथेरेपिस्ट बोले भाई हम चंपी नहीं कर पाएंगे, और जो क्लाइंट आएगा वो फिजियोथेरेपिस्ट को वीडियो दिखाएगा, कहेगा इसी वाली करो, तब अमिताभ जी, अमिताभ जी आप बिल्कुल सही रंग के ऊपर हैं आप जो है इस वक्त जो है, और मैं बौखलार जो है देख सकता हूं आपके चैनल पे, जिनको होनी चाहिए उनको हो भी रही है। मैं अब उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने सब मेन बातें जो है वो तो रखी दी है कि जो है इसमें ऐड कर लीजिए फिजियोथेरेपी में, मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के, अरे साहब रुक जाइए, मैं तो ये पूछना चाहूंगा आप जो है मुद्दे की बात के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अब आपसे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे जनाब आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ प्रवक्ता साहब से आम आदमी पार्टी के, पुनीत गोयल, पठानिया, गोपाल राय और सत्येंद्र जी के लिए पार्टी का आगे का स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं स्टेप होगा, दूधो नहा पूतो फलो, ये बात मुझे उनसे सुननी है कि दूधो नहाओ पूतो फलो जो है ये कहेंगे तो अच्छा जो है थोड़ा सा सही मैसेज जो है जनता में चला जाएगा, बता भैया तभी था, हाँ कुछ कह रहे थे सुनिए, खान साहब जी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा होती जा रही है, आप हमारा छोड़ दीजिए, आप हमारी फिक्र मत करिए, आप अपना बताइए, जो भ्रष्टाचारी लोगों को भ्रष्टाचार
अमिताभ जी मुझे लगता है बौखलाहट इतनी है कि मैं पूछा कुछ और हूँ और जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप हमारी भारत जोड़ो यात्रा के छोड़ दीजिए, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तुषार गांधी जी भी हैं ग्रैंडसन महात्मा गांधी जी के साथ में, राहुल गांधी जी भी हैं, बेफिक्र रहिए। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आलोक पांडे। अरविंद जी ने कहा कि भाई हम भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने जा रहे हैं और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बन नहीं जाएगा, ठीक। और ये कह के वो निकले यात्रा पर, पूरा देश बनेगा तब बनेगा, लेकिन कम से कम जो ये तिहाड़ का चित्र आया है, इसको देख के तो दुनिया के कोई भी देश ये मानेगा कि भारत में जेलों की स्थिति कितनी नंबर वन हो गई? नहीं, बिल्कुल। ऐसी सुविधा अमेरिका में नहीं मिल रही, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रही, जापान में नहीं मिल रही, चाइना में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, वो तो बहुत ही क्रूर है जेल में। नहीं तो कम से कम ये तो तकी मोहम्मद तकी को बधाई दो कि उन्होंने जेल को नंबर विश्व का नंबर वन बना दिया। बिस्लरी पियो है और मालिश कराओ और टीवी देखो, टीवी सास बहू की सीरियल। अमिताभ, मैं एक बात कहूं कि बीजेपी को जो है अरविंद केजरीवाल को जेल का कुछ ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, जिससे कि जो नहीं इसीलिए उन्होंने जेल मंत्री को भेजा कि बहुत खुद वहां रहेगा तो सब व्यवस्था देख लेगा। इससे क्या फायदा होगा कि जो देश के पैसा लेकर के भागे लोग हैं, ये लोग कंपटीशन आ जाए कि हम जाएंगे इंडिया, हम वापस जाएंगे, इंग्लैंड की अच्छी जेल नहीं है, चलो चलते हैं इंडिया वाली जेल में चलते हैं, तो कम से कम जेल की इमेज सुधरी है। इतना तो अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया है कि जेल नंबर वन है विश्व में। ये टीना शर्मा कौन लोग ये प्रचार करते हैं कि भाई जेल में गद्दे खराब, बिछौना खराब है, चादर फटा है, बदबू आ रही है उसमें, जो खटमल है, ये तो मुझे बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रहा है। बड़े अच्छे गद्दे मिले थे, ठीक। सैफ खान साहब, जीना शर्मा के शायद अभी कुछ कनेक्शन टूट गया। सैफ खान, ये चद्दर बिस्तर और डनलप की तकिया किया सब देख के लग रहा तबीयत खुश हो रही, लग रहा कि आप किसी लेमन ट्री टाइप होटल में जाके विराजमान हो गए। नहीं अमिताभ जी, ये बिल्कुल सही कहा कि जो एग्जाम्पल है, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रचार करके जो सच्चाई दिखाने में ये तो कामयाब रही, उनको भी बाहर ले आए जो नीरव मोदी कोर्ट में खड़े हुए बोल रहे थे कि साहब मुझे तो बाहर भेजा गया था, इनकी कमीशन हमने बांटा था नेताओं के साथ में जो है ना, उनको भी लाकर ऐसे जो है एटलीस्ट यहाँ जेलों में तो ले आए। अमिताभ जी बहुत साफ साफ सी बात है, एटलीस्ट हमारे देश के जेलों में तो ले आए। और अमिताभ जी मैं आपको सच सच बताऊं, जेलों की इतनी बुरी हालत है कि ना तो आपको सोने के लिए जगह है सही तरीके की, ना मच्छरों की, अगर आपकी बिजली ना वो मच्छर आपके रात जो मच्छर और खटमल से आपकी जो है पूरी रात काली होती है, मच्छर और खटमल के साथ जो है बड़े बड़े चूहे आप पे कूद रहे होते हैं, ये सच्चाई है। ये तो फाइव स्टार ट्रीटमेंट है जो हम लोग देख रहे हैं सब। ठीक, टीना शर्मा तक क्या आवाज जा रही है क्या? अच्छा ठीक, ठीक अमिताभ जी, मैं आज्ञा चाहता हूँ, मुझे कहीं और जाना है। अच्छा ठीक भैया भैया भैया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ए के मिश्रा जी, पैसा राजनीति का एक मुख्य घटक रहा आज हमेशा से, ठीक है ना, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन एक ही मान बात है। बहुत महंगा काम है राजनीति, ठीक, लेकिन वो भोड़ा हो गया अब। पहले पर्देदारी थी, कुछ लिहाज शर्म थे, आदमी उसके रूट ढूंढता था, अब तो लड़के भर्ती कर दिए, बोले वसूल के लाओ, हैं जगह जगह मीटिंग करो, होटलों में जा जाके, ये होटल में तो मीटिंग हो रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अग्निवीर टाइप की स्कीम लॉन्च कर दी, बोले लड़के भर्ती करो वसूली के लिए। एके मिश्रा जी, अमिताभ जी देखिए, आज के 30-40 साल पहले यानी जब हम लोग छात्र जीवन में थे, छोटे थे, तब राजनीति में वाकई में मर्यादा बहुत होती थी, पक्ष विपक्ष सारे जगह से बोलने से, भाषण में, आरोप में, प्रत्यारोप में और हर चीज में होते थे। अभी तो आप ये समझिए कि जैसे एक कोई शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य हो, भरतनाट्यम वगैरह, और लौंडा नाच
आज की जो राजनीति है जो बिहार में होती है, इस तरीके से कंपैरिजन आप करिए, जिसको जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा एक चीज और है, हम और आप तो बोलते हुए भी 100 बार सोचते हैं, शर्म आती है, लेकिन इन राजनेताओं को बोलते हुए शर्म नहीं आती। ये टीवी पे भी बोल देते हैं, लाखों की भीड़ में भी बोल देते हैं, इस तरह की चीजें बोल देते हैं कि जिसपे डेट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मुद्दे या वो बात हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है डिबेट में। हम कन्नी काटने लगते हैं कि कैसे इन चीजों को बोले, लेकिन ये एकदम बोल देते हैं। जी आलोक पांडे, एक लास्ट कमेंट आपका। जनता के मुद्दे, उसकी पीड़ा से जुड़े मसले, उसकी जिंदगी की तंगहाली को कैसे हम दूर कर सके, उससे जुड़ा कोई एक्शन प्लान किसी चुनाव में नहीं दिखता। कोई कह रहा हम कट्टर धर्म राष्ट्रवादी, कोई कह रहा हम कट्टर ईमानदार, कोई कह रहा हम भगत सिंह, कोई कह रहा हम कृष्ण जी का अवतार, कोई कह रहा हम हनुमान जी का अवतार, कोई बता रहा हम रामचंद्र जी के वंशज, कोई बता रहा हम ये महाभारत हैं, कोई बता रहा हम कुछ हैं, और इसी हा हा हू हू में एक महीना गुजर जाता है। जिसको जीतना जीत गया, जो जीत गया वो मौज करेगा, जो हार गया वो फिर से कुआं खोदेगा। अंता सर मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ, इतिहास में चाणक्य ने राजनीति के विषय में लिखा, लेकिन उसका नाम रखा अर्थशास्त्र। इसका मतलब है कि जब से राजनीति आई, लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र, राजनीति सत्ता के चारों तरफ जो राजनीति है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। इसलिए राजनीति में पैसे के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन जो इस समय राजनीति का स्तर गिरा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जो आज हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये बात बार बार देश के नेताओं को और उससे देश के जनता को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे नेताओं को चुनकर भेज रही है। जिसे पहले होता था राजतंत्र में कि यथा राजा तथा प्रजा, अब लोकतंत्र में क्योंकि जनता मालिक है तो यथा जनता तथा राजा। ठीक, तो जनता जैसी है राजा भी वैसा ही। बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल हुआ, मुझे एक खतरा दिख रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दलों में एक एक कोई भद्र महिला मर्यादा नाम की रख लेंगे, कहेंगे ले जी मर्यादा है, तब क्या करोगे? जब प्रहसन ही करना है, उसी स्तर पर कबड्डी खेल रहे हो सब, तो मर्यादा का तो अर्थ आप ये निकाल दोगे, तब हम क्या कर लेंगे? ये ओपन सीक्रेट से मुंह चुराने वाला समाज जो भारत का है ना, ये भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या हम लोग उन सब सच्चाइयों पर ऐसा ड्रामा करते हैं? ऐसा नहीं, सब जानते हैं पैसा चल रहा है, सब जानते हैं, कैश में चाहे काइंड में। जो कार्यकर्ता है इस बात को सेफ भी जानते हैं, टीना भी और तकी भी, बोले या ना बोले। आप कार्यकर्ता हो तो आपसे नगद मान लो 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं भी मांगेंगे, लेकिन 5 साल आपसे जो उन्होंने सेवा करवाई है वो भी 5 करोड़ तक ले जा ले गए सेवा को। एप्पल का नया फोन आया तो, और शादी ब्याह और गुलदस्ता और गाड़ी घोड़ा कर कर आके, वो पैकेज डील वही है, जो नया आदमी है उससे एक में एक मुश्त पैसा ले लेंगे। सैफ खान को 5 साल फील्डिंग करनी होगी चुनाव के लिए, तो 5 साल में उतना खर्च करा लेंगे। ये सच्चाई है। अमिताभ अग्निहोत्री चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकते, क्या क्या कैसे लड़ लेंगे? नहीं लड़ सकते आप चुनाव। लेकिन जो लोग इसलिए आए थे, मुझे याद है जब ये गर्भ में था, वैचारिक गर्भ में था ये, और अन्ना का आंदोलन चल रहा था कि पार्टी बने कि नहीं बने, तो आम आदमी पार्टी के 3 प्रमुख लोगों में से एक ने मुझसे कहा, मैं इस पक्ष में था कि पार्टी बनाओ, तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी हम लोग कहां से लाएंगे लड़ने वाले। आज वो स्थिति हो गई कि चुंगी के चुनाव में 3 से शुरू हुई बात और 80 तक ट्रेवल कर रही है गली गली। कोई कह रहा 3 करोड़ से बात शुरू हुई थी कमला नगर के, जन कौन से कहां के वार्ड की, और ये 80 तक पे आई अलग अलग इलाकों के हिसाब से। ये स्थिति के सच नहीं, 10 जगह भी ऐसा हुआ तो इससे राजनीति तो कलंकित हो गई, पतित हो गई। और जो लोग पैसा देकर आएंगे चुनाव लड़ने, टिकट हासिल करने, वो जीते हारे उनका मुकद्दर,
उनसे आप जनसेवा की उम्मीद करते हैं तो फिर आपसे मूर्ख कोई नहीं, फिर जनता की बुद्धिमत्ता पर मुझे शक होगा। जो पैसा देकर 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देके चुंगी की मेंबरी की टिकट लाया है वो जीत जाएगा तो वो आपके गले में खड़ंजा क्यों डलवाएगा, और डलवाएगा तो उसमें 40% की जगह 70% कमीशन लेगा। तब भाई अपने खेत बेच के पैसा जिसने दिया वो रिकवरी नहीं करेगा, तो हमने राजनीति को किन हाथों में बंधक बना दिया, और इसके लिए सब दोषी हैं। आज पैदा हुए ये आम आदमी वाले भी और कल पैदा हुई दूसरी पार्टियों वाले भी, और सबसे पुरानी जो है अजिया सास सब राजनीतिक दलों की कांग्रेस, वो भी सारी गंगोत्री तो वहीं से आई। आज कौन है ऐसा जो लोहिया जैसा ये कह दे कि भाई नहीं पैसे साधन और साधे दोनों पवित्र होने चाहिए। लोहिया जी आए कन्नौज, उनको बाय इलेक्शन में पर्चा भरना था, इटावा उतरे ट्रेन से, अर्जुन सिंह भदौ कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर सत्यदेव त्रिपाठी तक लोग मौजूद वहां लोहिया जी के इस्तकबाल में, एक जीप जुगाड़ करके बुलाई थी सबने, लोहिया जी से कहा इसमें बैठ जाइए, बोले जी किसकी जीप है, क्योंकि वो जानते थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की तो हो नहीं सकती। बताया कि जी एक मछली का कारोबारी है उसकी है, लोहिया जी ने कहा ना ना इसमें नहीं बैठ सकता, ना बस से चलूंगा तांगा से चलूंगा इससे नहीं जा सकता। तब जाके शुचिता बनती है। मर्सिडीज से घूम रहा है चुंगी का चुनाव लड़ने वाला, तब राज्यसभा में कैसे कैसे लोग भेजे जा रहे हैं, उनकी सार्वजनिक जीवन में क्या प्रामाणिकता है, क्या योगदान है देश की राजनीतिक व्यवस्था में, क्या योगदान है। पता लगा कल तक लोहा मंडी में व्यापारी थे और राज्यसभा के मेंबर हो गए। कोई 100 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 150 बोल रहा है, क्या हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह सैफ खान जानते होंगे, इनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हरियाणा के, हैं सर छोटू राम के नाती। उन्होंने एक बार कहा था, मनमोहन सिंह के समय की बात है पुराना, आज तो रेट मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था मिनिमम 100 करोड़ है राज्यसभा का रेट, जहां राज्यसभा का रेट हो जाए 100 करोड़ वहां चुंगी का क्यों नहीं होगा भैया, बताइए। जैसी सास तैसी बहू, ये सच नहीं है क्या। गुप्ता जी बन गए राज्यसभा में, मित्तल साहब बन गए राज्यसभा में, पंजाब से कोई, यहां से कोई, वहां से, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इस स्टिंग में भी गुप्ता जी का जो उल्लेख आया है, कौन गुप्ता जी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी से, जिनकी फोटो अजगर डाले हुए आई थी गले में, अजगर डाले हुए, वो एक ही दिन में आपसे जुड़े और इतना जुड़ गए कि राज्यसभा में पहुंच गए सीधे। उन्होंने एक ही दिन में इतनी जनसेवा कर दी कि आपने कहा कि ना ना तुम्हें मेरी कसम राज्यसभा में जाना पड़ेगा, और ऐसी ही जनसेवा एक एक दिन में अद्भुत जनसेवा करने वाले चतुर लोग हर पार्टी में हैं। मैं नाम लूं क्या, जो कार्यकर्ता झोला लिए घूम रहा है संघर्ष कर रहा है वो ठगा ठगा सा देखता है, वो कहता भाई साहब हम नहीं लड़ पाएंगे कभी चुनाव। अरे पद पार्टी में पद बांटने का तो रेट लगने लगा है, बहुत पीड़ा के साथ ये शब्द कह रहा हूं, पद बांटने का जिसमें कुछ मिलता नहीं अपने जेब से जाता है उसमें भी, और अगर सत्ता है पार्टी की मिश्रा जी तो रेट में गुणा हो जाता है तुरंत 100 का। जितना सत्ता से दूर है पार्टी और कतई संभावना भी नहीं उसके में सस्ते में आ जाएगा आदमी, बन जाएगा पदाधिकारी किसी फ्रंटल उसमें किसी में। लेकिन अब आप कहिए कि सत्ता में हो पार्टी तो उसका तो भैया विजिटिंग कार्ड लेने का एक न्यूनतम मानदेय है, उसे चुकाए बिना
आप भगत सिंह की बात करो, दीनदयाल जी की बात करो, महात्मा गांधी की बात करो, जवाहरलाल नेहरू की बात करो, अंबेडकर की बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा माल देंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि भाई आप फलानी कमेटी में, फलाने प्रकोष्ठ में बना दिए गए, पार्टी के 100 लोगों में से एक आप भी हो गए। मैंने 100-100 लोग प्रकोष्ठ की, सैफ खान प्रकोष्ठ की 100-100 लोगों की कमेटी जिनमें कोई मतलब नहीं रहने का पेट देखी है। आदमी उसी के लिए मारामारी कर रहा, करा भैया इसी में घुसवा दो, क्या कम से कम निशान तो मिलेगा। इसलिए ये स्टिंग से मैं चौंका नहीं। ये लोग पात्र सही है गलत है ये हो सकता है जांच का विषय, लेकिन मूल स्वर जो है ना, मूल संदेश जो है वो पीड़ादायी संदेश ठीक है। ये महिला जिसने स्टिंग किया वो नहीं हो, सही हो गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप किसी से भी देश में किसी शहर में जाके पूछ लीजिए कि ऐसा होता है, सब कहेंगे हाँ भैया आपको नहीं पता होता है। और कुछ पार्टियां तो इसी के लिए विख्यात हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी रही, उसने तो डंके की चोट पर रखा मामला, 15 दिन में एमएलए बनी है, 12 दिन में एमपी, खुल गया, आइए आइए। क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? अचानक से सैफ खान सो के उठे, कल तक पता लगा जूता बनाने की फैक्ट्री चला रहे, बोलो भाई साहब एमएलए बनूंगा, बोले आप कभी राजनीति में रहे? बोले नहीं। बोले लेकिन फलाने बता रहे थे कि ये रेट है, मैं पे कर दूंगा। क्या टिकट लिया, जीत के एमएलए हो गए? ऐसे एमएलए बने हैं लोग, ऐसे एमपी बने। जमीन पर संघर्ष कौन करेगा और क्यों करेगा? और भाई साहब माफ करिएगा, जो पैसा दे के अब टिकट लाया और पैसा पानी की तरह बहा के जो जीता, वो ना देश सेवा करेगा, ना राष्ट्र सेवा करेगा, ना कट्टर होगा, ना सट्टर होगा, वो ही देखेगा जितना लगाया उसका डबल घर में कैसे आए। धन्यवाद।